वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अगर आप न्यू हो वीडियो पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब स्क्रीन पे आते रहें। सो अगर आपने मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है सो आप कर सकते हो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाके मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सो वीडियो में आने से पहले मैं बोलना चाहूँगी कि आज का जो टॉपिक है वो सबके लिए, सबके स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। बिकॉज आज मैं बताने जा रही हूँ कि आपको कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए एंड कौन सा नहीं। सो सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फेस, बिकॉज अगर आप धूप में जा रहे हो तो सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो आपका फेस हो जाएगा डल एंड ब्लैक एंड बहुत ही ख़राब दिखेगा। क्या होता है ना, सनरेज इतना ज़्यादा मतलब बर्न्स हो जाते हैं, सो इसीलिए सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी स्किन, जैसे आप घर से बाहर निकलो वैसे ही रहे, ये नहीं कि घर से गोरे होके निकले और घर के अंदर जब आए तो हो गए काले, सो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सो इसीलिए हम सनस्क्रीन लगाते हैं ताकि हमारे स्किन ठीक रहे, अच्छा रहे, ठीक है। सो फर्स्ट जो मैं अपना सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ वो मैं बताना चाहूँगी। बहुत सारे सनस्क्रीन आप यूज़ कर सकते हो, बट एक गलती जो सब करते हैं सनस्क्रीन यूज़ करने में, वो जो आपको बताना चाहूँगी, SPF, हमेशा SPF ज़्यादा वाला ही लेना चाहिए। 15, 10, 20 ऐसा नहीं लेना चाहिए, बिकॉज वो क्या है ना, थोड़ी देर में काम करना बंद कर देते हैं। एंड अगर आप SPF 50 या SPF 30 ऐसे अगर लेते हो सो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज वो ज़्यादा देर तक आपके स्किन पे रहते हैं। सो अगर आप SPF 10 15 ले रहे हो एंड घर के बाहर निकले हो और उसका काम करना बंद ऑलमोस्ट एक घंटे में ओवर हो जाएगा, क्योंकि सनस्क्रीन कितने देर तक रहेगा आपके फेस पे, ज़्यादा देर तक नहीं रहता है और ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं रहता है। सो इसीलिए हमेशा जब भी आप सनस्क्रीन ले तो ये नोट करें कि मतलब ज़्यादा वाला SPF लेना है ताकि आपकी स्किन को कोई भी सन से डैमेज ना हो स्किन। सो इसलिए सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो घर से बाहर निकलना है तो मतलब अगर आप मॉइस्चराइज़र लगा रहे हो तो मॉइस्चराइज़र के ऊपर देन आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरे पास है यहाँ पे दो सनस्क्रीन, और एक है मेरा लोटस का हर्बल सेफ सन UV सनस्क्रीन मैट जेल अल्ट्रा सूदिंग मैट लुक ऑयल कंट्रोल। ये मेरा ऑयल कंट्रोल है PA++++ UVA SPF 50 नॉर्मल टू ऑयली स्किन का, ये है मेरा लोटस का सनस्क्रीन। एंड इसकी प्राइस है 440, क्योंकि ये बड़ा वाला मैंने मंगा लिया था तो इसकी प्राइस है, यू कैन सी यहाँ पे 4, आप देख सकते हो इसकी प्राइस है 440। बट इसमें डरने की बात नहीं है कि मतलब 500 ऑलमोस्ट 500 ही है। सो उसमें हम कैसे ले सकते हैं 500 का सनस्क्रीन। सो यार आप मतलब इसे छोटी वाली ये भी ले सकते हो, ट्यूब ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि, बट ये मुझे 440 की तो बिल्कुल नहीं मिली थी, बिकॉज मैंने ये नाइका से परचेस की थी। एंड उस टाइम आई थिंक मतलब यार ऑनलाइन परचेस करो ना, सो क्या होता है ना हमेशा डिस्काउंट चलते ही रहता है। अगर कुछ मतलब फेस्टिवल्स है तो ज़्यादा डिस्काउंट आ जाता है, अगर फेस्टिवल्स नहीं है नॉर्मल डेज है सो उसमें आपको 5-10% तो ईजिली ऑफ मिल ही जाएगा। सो उसमें टेंशन की बात नहीं है। एंड अगर न्यू ईयर है या कोई भी फेस्टिवल है ना उसमें तो धमाका वाला ऑफर देते हैं या नाइका वाले एंड पर्पल वाले। सो ये मैंने नाइका से परचेस किया था एंड इसका MRP इसमें दिया हुआ है 440, बट मैंने, यू विल नॉट बिलीव, मैंने इसे 250 का लिया है। सो सच अ ह्यूज चेंज, मतलब कि कैसे हो सकता है। सो या मैंने इसे 250 या 280 समथिंग का ही लिया था, बिकॉज बहुत सारा डिस्काउंट चल रहा था। एंड ये बहुत ही अच्छा है, एकदम मैट फिनिश देता है, आपको क्रीमी फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये है क्रीमी फॉर्म में और ये है जेल फॉर्म में, ये जेल टाइप्स होता है ना उस फॉर्म में, एंड ये है मेरा क्रीमी फॉर्म में। सो ये बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है, मैंने यूज़ किया है इसे एंड ये बहुत 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 ज़्यादा है अच्छा है। सो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो एंड नहीं तो आप ये, मैंने अभी अभी मंगाया है, मैंने आपसे तो पर्पल हॉल शेयर किया था सो तभी मैंने इसे मंगाया था। एंड ये है बायोटिक का एडवांस्ड आयुर्वेदा बायो कैरेट, सो ये कैरेट वाला है, ठीक है। 40, ये मेरा 50 SPF का था, 50 SPF का था एंड ये मेरा 40 SPF का है। सो यू कैन सी, वेट, या यहाँ पे, सो यहाँ पे मेरा 40 SPF का है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, मैं फोकस पे लगा देती हूँ। हाँ ये है मेरा बायो कैरेट का एडवांस्ड।
सनस्क्रीन, ठीक है। सो ये भी बहुत अच्छा है, बट ये जो है ये क्रीमी फॉर्म में है, ठीक है। ये आपको मैट माउस फॉर्म में नहीं है, ये आपका क्रीमी फॉर्म में है। एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बहुत अच्छा है। एंड इसकी जो पैकेजिंग है ये भी यू नो ट्यूब फॉर्म में ही है, एंड इसका 50 ml की है ये प्रोडक्ट। सो ये है 50 ml की प्रोडक्ट है। एंड इसकी जो प्राइस है, 175, यू कैन सी, वेट, हाँ, ब्लर 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 मार रहा है कैमरा, कैमरा इज़ नॉट फोकसिंग, हाँ ये फोकस कर लिया है। एंड यू कैन सी इसका प्राइस है 175 ओनली, बट इसे मैंने लिया था आई गेस 150 समथिंग में मैंने ये वाला लिया था। एंड ये भी बहुत अच्छा है, बट मैं इसे यू नो यहाँ पे देती हूँ थोड़ा सा जस्ट फॉर अ रिव्यू। यू कैन सी ये क्रीमी फॉर्म में, ये कोई यू नो जेल बेस्ड नहीं है। एंड दिस इज वेरी गुड, एंड इसका यू नो स्मेल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड ये भी आप यूज़ कर सकते हो, दोनों ही सनस्क्रीन बहुत अच्छा है। एंड कभी भी आप बाहर जाओ ना, प्लीज़ यार ऐसे तो मत ही जाओ, बिकॉज फेस ना इतना ज़्यादा डार्क हो जाता है ना वहाँ से आने के बाद, टैन हो जाता है यार, पूरी फेस पे टैनिंग हो जाती है। सो उसमें क्या होगा ना, ये एक लेयर आपका बैठा रहेगा ना, सो उसमें क्या होगा ना, डायरेक्टली आपका इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो ये भी बहुत अच्छा है, बट आई थिंक नहीं नहीं ये ख़त्म नहीं हुआ है, यू कैन सी, सो ये देख सकते हो। सो ये है आप जेल फॉर्म में, एंड ये है क्रीमी फॉर्म में। मैं आपको दिखा देती हूँ दोनों का डिफरेंस। सो ये है मेरा क्रीमी फॉर्म में, ये है मेरा जेल फॉर्म में, ये है मेरा लोटस का, एंड ये है मेरा बायोटिक का। सो आप देख ही सकते हो मतलब कि यू नो कितना अच्छा है यार, दोनों ही सनस्क्रीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये मैंने तो अभी अभी लिया हुआ था, सो मुझे समझ में नहीं आ रहा था अच्छा है, अच्छा है कि अच्छा नहीं है, बट या आफ्टर यूजिंग मतलब बहुत ही ज़्यादा यू नो इफेक्टिव है। एंड जब भी आप सनस्क्रीन अप्लाई करो ना, मेक श्योर कि आप अपनी फोरहेड पे तो ज़रूर अप्लाई करो, क्योंकि आप देखोगे ना आपके चीक्स की कलर अलग होती है एंड फोरहेड की थोड़ी ज़्यादा डार्क होती है, क्योंकि वहाँ पे ना यू नो ज़्यादा सनबर्न हो जाता है, टैन हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। सो आप वहाँ अप्लाई करो, एंड ये बहुत ही अच्छा है। इस तरफ मैंने यू नो लोटस का लगाया हुआ है, एंड जिस हिसाब से इसका कॉस्ट है यार, वो चीज़ दिया भी है, यू कैन सी लगाने के बाद एक सटल ग्लो भी आ गया है फेस पे। ये क्रीमी फॉर्म में ये भी अच्छा है, नहीं बोलूँगी अच्छा नहीं है, बट ये भी बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है यार, आप इसे अप्लाई करो एंड आपको यू नो पता चल जाएगा। सो मैंने इस साइड यू नो ये वाला लगाया हुआ है लोटस का सनस्क्रीन, एंड ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। कभी भी आप घर से बाहर निकलो सो बिना सनस्क्रीन के तो बिल्कुल मत निकलो यार, क्योंकि फेस तो टैन होना ही है, एंड कौन चाहेगा कि उसका फेस यू नो डार्क दिखे, है ना, कोई नहीं चाहता है उसका फेस डार्क दिखे, सब चाहते हैं कि उसके फेस यू नो ग्लोई लगे एंड कोई भी पिंपल वगैरह एंड स्पॉट्स वगैरह ना हो। सो सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फेस, आप ज़रूर इसे लगाओ, एंड होप सो आप लोग भी ले लोगे। सो विदाउट एनी क्यों बोल रहा है। सो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है यार, लाइक भी कर देना, नहीं यहाँ से हमको काट। सो ये था हमारा सनस्क्रीन के ऊपर बेस्ड वीडियो। सो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक थम्स अप ज़रूर दे देना, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, एंड हाँ शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।